भारतीय मानक ब्युरोको आयोजनामा ज्वेलर्स जागरूकतामाथि एक दिने सचेतना शिविर सम्पन्न गरियो। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्कहाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. कालेबुङको एउटा होटलमा सम्पन्न कार्यक्रममा कालेबुङ सहर लगायत समीपवर्ती ठाउँका व्यापारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ ज्वेलर्स एसोसिएसनले ब्युरोका वैज्ञानिक निर्देशक सौभिक चन्दा अनि सहायकलाई स्वागत जनाएपछि कार्यक्रममा सौभिक चन्दाले ज्वेलर्सको निर्माण, यसको प्रकार अनि विशेष गरी होलमार्कबारे सचेतना गराइयो। यसबीच पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सौभिक चन्दाले एसोसिएसनलाई भावी दिनमा कसरी सहयोग पुर्याउने त्यसबारे विस्तारमा बताएका छन्। साथै एसोसिएसनको पक्षबाट हाल कालेबुङमा होलमार्कको केन्द्र नभएको कारण व्यापारीहरूले सिलगढी गएर यसलाई होलमार्क लगाउनु पर्ने बाध्यता रही आएको गुनासो अघि राखेका छन्। आभूषण बनाने के लिए करते हैं, आजकल मेडिसिन या खाने के द्रव्य में भी सोने के थोड़े बहुत पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे गुण होते हैं। मेरा नाम है सौभिक चंदा, मैं डायरेक्टर हूँ BIF कोलकाता ब्रांच ऑफिस 2 में। हम लोग यहाँ पे ज्वेलर और आर्टिसंस जो बंधु भाई बंधु हैं उनको हम सचेतन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कालिम्पोंग एक मात्र बहुत ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया में जिले में ये एफिंग एंड हॉलमार्किंग मैंडेटरी बाध्यतामूलक हो गया है। कालिम्पोंग में अभी तक नहीं हुआ है सरकार की ओर से, तो यहाँ पे इसका सच जो कॉमन कंज्यूमर्स है उनको सचेतन करने के लिए और इनका प्रचार ज्यादा से ज्यादा बढ़े, आप लोग हॉलमार्किंग का व्यवहार ज्यादा करें अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए हम लोग आए हैं और इसका एक जागरूकता फैलाने के लिए भी आए। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम से जितना भी ग्राहक है उन लोगों को क्या सुविधा हो सकता है, यहाँ से वो लोग जितना ट्रेनिंग करके जाएंगे क्या क्या सुविधा होगा, क्या लाभ रहेगा इसके बाद? जो भी ग्राहक है यहाँ पे, जो भी ग्राहक आए होंगे तो उनको हॉलमार्किंग लेके जो भी प्रश्न उनके मन में है या जो भी दुविधाएं उनके मन में है उसको दूर करने के लिए भी हम आए हैं। हम लोग उसका जो भी दुविधाएं, हॉलमार्किंग क्यों करना चाहिए, हॉलमार्किंग करने से फायदा क्या है, हॉलमार्किंग करने की एक बार आपने मान लीजिए आपके घर में जो भी महिला है जो अपने शादी के लिए या और भी किसी फैमिली फंक्शन के लिए जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आज वो उससे अगर हॉलमार्क ना हो, आज से कई साल बाद भी अगर बेचने जाए तो हो सकता है कि उसका विशुद्धता की परिमाप ना हो उनके पास, तो अगर वो बाद में बेचने जाए तो हॉलमार्क विल गारंटी दैट द प्योरिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्योरिटी सही मायने में उनको पता लगे एंड बाद में वो बेचने अगर जाए भी उसका सही जो वैल्यू है, जो कीमत है वो उनको प्रदान हो सके, उनको मिल सके। सर, बहुत सारा ऐसा ज्वेलरी है जो कोई ग्राहक खरीदते थे उसके बाद में कोई रिटर्नेबल जो प्राइस होता है, पहले जो खरीद लिया वही रेट में कोई होता है, कोई नहीं होता है, इसमें जो एक कंफ्यूजन है जो ग्राहक के ऊपर में। ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछे हैं। इसी का बहुत हम लोग तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं पूरे भारत में, तो उसमें देखे हैं कि जो हमारे ग्राहक बंधु हैं, जो ग्राहक है उनके मन में ये प्रश्न आता है, इसी का निवारण करने के लिए ताकि वो बाद में भी जब बेचने जाए गोल्ड का उस दिन का जो प्राइस है, मान लीजिए आपने आज एक ग्राम का कोई सोना खरीदे हैं 22 कैरेट का, तो आज के दिन में 22 कैरेट का जो भी वैल्यू होगा और आप बाद में जब बेचने जाए आपको वो हॉलमार्क वो गारंटी करेगा कि आपको आपने जो सोना खरीदे एक तो वो 22 कैरेट का है एंड आप जब बाद में बेचने जाए आपको 22 कैरेट का ही वैल्यू मिले उस दिन का जो प्राइस होगा उसके हिसाब से। हाँ, हम लोग भी वही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर, एफिंग और हॉलमार्किंग सेंटर जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे बने, क्योंकि आज की डेट पे हमारे जो ज्वेलर बंधुए हैं, ज्वेलर मित्र को यहाँ से सिलीगुड़ी भेजना पड़ता है अपना ज्वेलरी हॉलमार्क करवाने के लिए, फिर वहाँ से आता है, इसमें दिन भी खराब होता है, उनका पैसे भी
ज्यादा खर्च होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे कालिम्पोंग में कोई ऐसे सेंटर्स बने, उसके लिए कोई उसके लिए जो टेक्निकल सहायता जरूरत होगी BIS के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से, हम लोग जरूर करेंगे, हम लोग उसको गाइड भी करेंगे। एंड हमारे आपके नजदीक वाले जिलों में भी देखिएगा काफी सारे सेंटर्स बन गए हैं, तो ये एकमात्र जिला है जहाँ पे अभी तक बना नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जल्द बने, उसका प्रचार करने के लिए, उसके लिए कोई भी जैसे भी सहायता की जरूरत हो, टेक्निकल सहायता, हम लोग जरूर करेंगे। यस्तो छ कि यो कानुन त लागू पहिला नै भएको, तर हाम्रो कालिम्पोङमा अहिले लागू भएको छैन। सबभन्दा के छ कि हाम्रो कालिम्पोङमा सेन्टर छैन हो, त्यसले गर्दा हामी यहाँ जेवर बनाए भने हामी हलमार्किङ गराउनुको लागि सिलगढी जानुपर्छ। त्यसले गर्दा म सर्वप्रथम यहाँ जो अफिसियलहरू आउनु भएको छ उनीहरूलाई अनुरोध गर्छु कि हाम्रो कालिम्पोङमा सेन्टर गरिदेओस्। अगर कालिम्पोङमा सेन्टर भइदिए भने हाम्रो यहाँको व्यापारी, खास गरेर कालिम्पोङ, टिस्टा बजार, अलगढा बजार, पेदुङ बजार, लाभा बजार, जति दोकान छ त्यो कालिम्पोङ ज्वेलरी एसोसिएसनभित्र नै छ। त्यसले गर्दा यहाँ अफिस भइहाल्यो भने, हलमार्किङको सेन्टर यहाँ भइहाल्यो भने हामी सबैलाई अलिकति सहुलियत हुन्छ। र अहिले यो विषयमा हामी सबैलाई साह्रै जानकारी छैन, त्यसले गर्दा हामी काम गर्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई यो विषयमा जानकारी हुन्छ। तर यो लागू भइहाल्यो भने यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ, दोकानदार लोगको लागि पनि राम्रो हुन्छ, प्लस जो कन्ज्युमर छ, ग्राहक जो सुन चाँदी खरिद छ, उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। किनकि पहिला के हुन्थ्यो कि जस्तो सुनमा 24 क्यारेट भनेर दिन्थ्यो, तर कहीं गएर टेस्ट गरायो भने त्यो 22 क्यारेट 21 क्यारेट आउँथ्यो। तर यो कानुन लागू भइहाल्यो भने के हुन्छ कि हलमार्किङ भयो भने कहीँ पनि गएर टेस्ट गरायो भने त्यो 916 23 क्यारेट नै हुन्छ। जबसम्म त्यसको प्युरिटी हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यसमा हलमार्किङ गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दा कारिगरले सामान बनाउँदा पनि उनलाई पनि एउटा डर हुन्छ कि मैले अगर राम्रो सामान बनाएन भने बन।